पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी कंसेप्ट एंड पर्सनैलिटी कंसेप्ट डेफिनेशन एंड कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। सो डेफिनेशन जो हम देते हैं, पर्सन रिएक्ट करता है किसी सर्टेन सिचुएशन के अंदर, कोई भी सिचुएशन उसको दी गई है, जैसे कि वो स्कूल में है, कॉलेज में है या फिर कहीं पर भी है, तो उसके बेस पर हम पर्सनैलिटी की डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं। पर्सनैलिटी की डेफिनेशन कैसे हम प्रोवाइड करते हैं कि भाई जो पर्सन है, कोई भी पर्सन है, वो कैसे थिंक, रिएक्ट और फील करता है किसी सर्टेन सिचुएशन में, वो पर्सनैलिटी की डेफिनेशन होती है। ना कि जो हम बात करते हैं कि पर्सन बैठता कैसे है, उठता कैसे है, उसका अट्रैक्टिव है, इम्प्रेसिव है, अनइम्प्रेसिव है, उसकी साइंटिस्ट ने आलोचना भी की है, वो हम आगे पढ़ेंगे क्रिटिसाइज कैसे किया है। तो उसकी जो साइंटिफिक वे में उसको हम पर्सनैलिटी नहीं बोलते हैं कि पर्सन अट्रैक्टिव है या नहीं है, या फिर वो किस तरीके के कपड़े पहनता है, वो अनइम्प्रेसिव है या फिर इम्प्रेसिव है। सो इन्हीं तीन के बेस पर जो हमने डिस्कस किए अभी, पर्सन जो है थिंक, रिएक्ट एंड फील करता है, उसी के बेस पर तीन फीचर हमने बनाए हैं। सबसे पहला जो फीचर है वो है बिहेवियरल फीचर। बिहेवियरल फीचर में जो तीनों चीज़ें हैं, थिंक, रिएक्ट एंड फील, वो हमारे बिहेवियरल कॉम्पोनेंट है, वो हमारे बिहेवियरल कॉम्पोनेंट है, थिंक, रिएक्ट एंड फील। सो नेक्स्ट है एनवायरमेंटल। इंटरनल फैक्टर जो होते हैं पर्सन के, उनका कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे तो ये प्रभाव कैसे नहीं पड़ता है, अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है तो कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है आपका, और अगर वीक है आपका बिलीफ सिस्टम तो आप इन्फ्लुएंस होंगे उस पर्सन से। अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है, तो बिलीफ सिस्टम कैसे काम करता है, बिलीफ सिस्टम कैसे काम करता है हम आगे डिस्कस करते हैं। तो बिलीफ सिस्टम ही हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, बिलीफ सिस्टम जो हमारा होता है माइंड में, हमारा बिलीफ सिस्टम होता है, थॉट्स होती हैं, उसके उसके बाद हमारे वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स के बाद हम एक्शन लेते हैं, एक्शन के बाद वो हमारी वैल्यूज़ बन जाती हैं, वैल्यूज़ बनने के बाद जो है हमारा कैरेक्टर बन जाता है, कैरेक्टर के बाद जो है हम आगे उसी चीज़ को हम गोल बना लेते हैं। तो जो सबसे बड़ी हमारी कमजोरी होती है कि हम बिलीफ सिस्टम तो बना लेते हैं, लेकिन बिलीफ सिस्टम के बाद हम एक्शन नहीं लेते हैं। तो नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन एंड पैटर्न। तो ऑर्गेनाइजेशन की सर्टेन डिग्री होती है और पैटर्न्स की पर्सन के बिहेवियर में। तो क्रिटिसाइज किया गया है इसको साइंटिस्ट ने, जो हम बात करते हैं कि कोई पर्सन कैसे फील करता है, रिएक्ट करता है, बिहेव करता है, उसी के बेस पर जो नॉर्मल लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू है, लेमैन मतलब कोई भी पर्सन, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था इंट्रोडक्शन में, लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेमैन मतलब कि पर्सन, ऐसा पर्सन जो मतलब कॉमन पर्सन होता है उसको हम लेमैन बोलते हैं। लेमैन ने इसको डिफाइन किया है कि भाई जो इम्प्रेसिव और अनइम्प्रेसिव होते हैं पर्सन, उसके बेस पर हम इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि नो रूम। नो रूम का मतलब होता है कोई जगह नहीं है ऐसे पर्सन के लिए जिसकी पर्सनैलिटी को स्टडी करना इम्पोर्टेंट है, जिसकी पर्सनैलिटी को स्टडी करना इम्पोर्टेंट है, उसके लिए कोई जगह नहीं है। इसको क्रिटिसाइज किया गया, इसकी आलोचना की गई है, एंड उसके लिए कोई स्कोप नहीं है जिसकी जिसके अंदर यूनिक एबिलिटी है और यूनिक उसकी पर्सनैलिटी है, तो इसको इसकी आलोचना की गई है। नेक्स्ट है क्लूकोहन एंड मरे। तो क्लूकोहन एंड मरे के अकॉर्डिंग, क्लूकोहन एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, और तो उन्होंने बताया है कि हम किसी न किसी तरीके में एक दूसरे पर्सन की तरह होते हैं, लाइक अदर पर्सन, एंड किसी दूसरे वे में दूसरे तरीके से अलग होते हैं। मतलब हर कोई सेम नहीं होता है, हर कोई सेम नहीं होता है दूसरे पर्सन की तरह, हम सेम नहीं होते, हमारे थॉट, फीलिंग, बिलीफ सिस्टम अलग होता है, बट किसी न किसी वे में हम जो है सेम होते हैं। आगे हम इसके बारे में ट्रेट्स में और ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट्स बनाने के लिए, जो स्क्रीन पे मैंने इसीलिए लिखा है ये सब कुछ, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो